तो अपन को सीरीज बेस्ड क्वेश्चन शुरू करने थे, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन, बाकी लोग ज्वाइन कर देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, है ना। नाउ अपन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी यार क्लियर मेरे को। सर वो क्या है, किस स्क्रीन स्क्रीन जूम कर दूं? यस सर, एक सेकंड, जितनी होती है उतनी कर देता हूं मैं। ठीक है, यस सर। चलो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि एक आध सीरीज अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कॉस के प्रोडक्ट वगैरह में है, तो वो अपन दोबारा नहीं पढ़ने वाले। अभी दो तीन टाइप की और वैरायटी बची हैं, वो कंप्लीट करेंगे इसमें, ना। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। कभी ऐसी सीरीज हो ना, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस सॉरी टू बीटा अप टू लास्ट एंगल मान लो आ गया आपका साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। तो इस सीरीज में एंगल्स में क्या खासियत आपको दिखाई दे रहा है? सर एंगल्स एपी में है, सर बीटा प्लस हो रहा है। हाँ, एंगल्स एपी में है, एंगल्स आर इन एपी, जिसमें फर्स्ट एंगल क्या है, ए की वैल्यू जिसको बोलते हैं ए अल्फा है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है, बीटा है, सही है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है भाई, है ना, जो इसका फॉर्मूला आएगा वो आता है, वो पहले तो देख लो याद करना है, अल्टीमेटली कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आएगा साइन ऑफ एन टाइम्स बीटा बाय टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस अल्फा, छोटा मैं लिख देता हूँ, एन प्लस माइनस वन बीटा अल्फा प्लस अल्फा बाय, ठीक है। इसको याद कैसे करना है अपने को, उस पर फोकस करना है। साइन ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, जिसको मैं डी बोल रहा हूँ, डी है ना, कॉमन डिफरेंस बाय टू, नीचे साइन ऑफ डी बाय टू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। और यहां आएगा साइन के अंदर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय टू। तो देखो पहला और लास्ट दोनों को सम करके डिवाइड बाय टू, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू साइन के अंदर आएगा। यहां आएगा उस सीरीज में जो एंगल का कॉमन डिफरेंस है उसका आधा साइन के अंदर, यहां उसके आधे का एन गुना साइन के अंदर। हाँ भाई, याद रह जाएगा ऐसे फॉर्मूला, सही है, बोलो सर। ऊपर क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा है, जो साइन एन माइनस बीटा बाय टू के बाद जो टर्म है वो बताना, क्या अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू, पहला एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू। सर जो आपने साइड में ले गया ना ऊपर, सर वो सेंटर में लिख दो, सर समझ में नहीं आ रहा। ये वाला फॉर्मूला आप समझो ना, साइन के अंदर बेटा मैंने लिखा है
नंबर ऑफ टर्म्स तो n आ गया, कितने नंबर ऑफ टर्म है ये n है, इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस क्या बीटा है तो बीटा बाय 2 आ गया, नीचे आएगा साइन के अंदर कॉमन डिफरेंस बाय 2 तो साइन के अंदर बीटा बाय 2 आ गया, फिर आएगा साइन के अंदर पहला एंगल और लास्ट एंगल का सम डिवाइड बाय 2, तो पहला एंगल और लास्ट एंगल का सम डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, सही है? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं इसका आपको प्रूफ बता देता हूं, है ना, अगर आप ट्राई करके देख लेना अगर इंटरेस्ट हो आपको, अदरवाइज अल्टीमेटली पर्पस जो है फॉर्मूला याद रखना है, वो ऐसे याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कल को यहाँ पे n बीटा आ गया, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। हाँ जी, ऑडियो आज मुझे भी तुम्हारी स्लो ही आ रही है, रुक रुक के आ रही है आज, पता नहीं क्या है, क्लियर भी नहीं है। अब जैसे जो बच्चा बोल रहा था ना उसकी मुझे सही आ रही है, तो आपके अलग अलग नेट्स का फर्क है, तो किसी की जिसकी मुझे सही आ रही है मुझे भी उसकी सही जा रही है, और किसी की मुझे खराब आ रही है तो उसकी मेरी भी आवाज उसके पास थोड़ी सी खराब जा रही है ना, तो कभी कभी नेट का इश्यू हो जाता है, है ना, आपके अलग बारिश भी हुई है थोड़ा उस वजह से भी फर्क पड़ सकता है। हाँ भाई, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। अब अगर इसका प्रूफ की बात करें तो आप प्रूफ ऐसे कर सकते हो, इस पूरी सीरीज में ना, पूरी सीरीज में 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मतलब 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू अल्फा साइन अल्फा प्लस इसके साथ 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह चलते चलते ये लास्ट टर्म बन जाएगा 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, ये पूरी एक ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दी, तो इफेक्टिवली मैंने क्या करा है पूरी सीरीज को 2 साइन बीटा, आपके वीडियो शो की 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो उससे बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया मैंने, सही है? ठीक है, अब देखो यहां बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है सर? 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ना। हाँ हाँ, तो पूरी 2 साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो बाहर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, अब अंदर 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले लगा सकता हूँ? यस सर। तो बेटा ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी बीटा बाय 2 माइनस का अल्फा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर यहां से अगला आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी है ना, ये आएगा आपका बीटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसमें से इसको घटाओगे ए माइनस बी या बी माइनस ए कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा में से ये घटाएंगे तो बीटा बाय 2 माइनस का कॉस ऑफ इन दोनों का सम, कॉस ऑफ इन दोनों का आएगा आपका सम आएगा, ठीक है, तो सम बीटा बाय 2 अरे कॉस बीटा बाय 2 में से इसको घटाओगे तो बेटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा ना, उसको प्लस लिख दो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी में आएगा अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, इस तरह चलते चलते जो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसका क्या आएगा भैया, कॉस ऑफ ए माइनस बी में आएगा अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा,
माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाय। अब तुम देखो ये इससे कट गया, मतलब इसका दूसरा टर्म इसके पहले को ले डूबा, इसका दूसरा इसके अगले वाले के पहले को ले डूबेगा, और इसके पीछे वाला जो दूसरा होगा वो इसके पहले को ले डूबेगा। तो अल्टीमेटली ये और ये बचेंगे। बोलो सही है कोई दिक्कत? तो ये क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाय टू, और बाहर वन अपॉन टू साइन बीटा बाय टू। तो यहां कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है भैया, बताओ किसी को याद है? टू क्रॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी माइनस। नहीं नहीं नहीं, ये चौथा फॉर्मूला है, सोनू चलाए चप्पू स्वीटी, चप्पू चलाए सोनू स्वीटी, याद है? पहले तो आएगा टू, बस 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 सब म्यूट कर ले, पहले आएगा टू उसके बाद साइन सी प्लस डी। तो जब जोड़ेंगे बीटा बाय टू कट जाएगा, जब जोड़ेंगे बीटा बाय टू आपका कट जाएगा, तो ये आएगा अल्फा प्लस अल्फा मतलब टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू इंटू साइन। इसमें से इसको घटाओगे तो देखो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बाय टू कट के क्या हो जाएगा आपका, इसमें से आप जब इसको घटाओगे तो ये बन जाएगा एन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय टू, तो एन बीटा बाय टू आ जाएगा, एन बीटा बाय टू। तो देखो आ गया ना फॉर्मूला, ये क्या लिखा है नीचे साइन के अंदर बीटा बाय टू, ये लिखा है साइन के अंदर एन बीटा बाय टू, और तीसरा साइन के अंदर ये दोनों का सम बाय टू, वही तो लिखाया मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? बोलो भाई, चल ये छाप लो जल्दी से, तो फिर अपन दूसरा फॉर्मूला, एक प्रूफ मैंने बता दिया, अगले का प्रूफ आप खुद ट्राई कर लेना, सेम ही है करना हो तो, नहीं तो उसको याद रखे बस, ठीक है ना? ये जल्दी से यहां से यहां तक छाप लो। सर आप थोड़ा सा पढ़ा लिख दो। हाँ बेटा आप लिख देंगे, एक बार आप इसको छाप लो। ये तो कर लिया सर। ठीक है मिटा दो इसको। सर सर हाँ जी बोलो सर। बोलो सर, जो आपने प्रूफ किया इसमें सर, सर साइन टू अल्फा है, और सर जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था सर वहां पर सिर्फ अल्फा है। अल्फा नहीं है, ये अल्फा प्लस अल्फा, दो अल्फा होते हैं। ओके सर ठीक है बता दो सर। इसमें मेन तो बस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना था ना, ये हाँ ये शिकार था, ये कैटलिस्ट था, जैसे कोस वाली सीरीज में हमने कुछ डिवाइड करके आगे सीरीज को खत्म कर दिया था, ऐसे इस वाली सम वाली सीरीज को वाइंड अप करने के लिए समेटने के लिए ये हमने शिकार खेला, ठीक है ना? तो इसी के थ्रू अपन को ऐसे क्वेश्चन याद करो, एक क्वेश्चन भी तो था नीचे जिसमें हमने ऐसा कुछ करा था, जिसमें वन माइनस कोस टू का लफड़ा पड़ रहा था, एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें भी हमने ऐसे ही कुछ गेम खेला था, है ना? तो ये सब मैनिपुलेशन चीजें हैं, तो आपको तो मेन पर्पज है कि मैनिपुलेशन सीख ली अगर आपने, अच्छी बात है, नहीं तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, ठीक है ना? जब एंगल्स एपी में हो, साइन में, सम में, सीरीज हो, ठीक है? इसको बता दो। यस सर। यस सर। ऐसे बेटा इसका दूसरा जो फॉर्मूला है ना वो सेम है, बस कॉस में आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा
इस तरह से कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा एंगल एपी में है तो इसका सेम फॉर्मूला रहेगा क्या साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय टू अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय टू। यहां पे साइन की जगह कोस आ जाएगा बस कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय टू। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला भैया इसके हिसाब से साइन ऑफ एन बीटा बाय टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू इंटू कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू। सही है कोई परेशानी? ठीक है तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखें जब भी साइन में सम में सीरीज हो एंगल एपी में हो या कॉस में सम में सीरीज हो बीच में प्लस आए और एंगल एपी में हो तो इस तरह से हम उसको समेट सकते हैं क्योंकि दो पे तो अपन कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे इतने सालों पे लगातार कॉस सी प्लस कॉस डी लगाने लग गए फिर तो बहुत टाइम लगेगा दैट्स व्हाई ये याद रखना है हमें। ठीक है भाई चले एग्जाम्पल करें इस पे। सर वो आपने एन पे क्या लिखा है कॉस क्या वही है? लिखा है वही जो पिछले में लिखा था फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय टू। ओके सर क्योंकि ऐसे तो आप भूल जाता है बच्चा इसलिए मैंने ऐसे याद करा दिया आपको अगर आप याद रख सके अच्छी बात है। सर वो सी माइनस बी क्या लिखा कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस सीडी सही है यस सर। एक मिनट लिख लिख लो भाई फिर चले लिख गया सर। ठीक है मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो जैसे ही आपने देखा कि प्लस में एंगल है कॉस में टर्म है और जो एंगल है देखो अगर 2π/11 में 2π/11 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा और इसमें 2π/11 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से सीरीज चल रही है तो बेटा आपने एक चीज पहचान ली कि फर्स्ट एंगल कौन सा है फर्स्ट एंगल 2π/11 और लास्ट एंगल कौन सा है लास्ट एंगल 20π/11 उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो बीटा कहते हैं अपन बीटा बोल रहे थे वो कितना है 2π/11। अब बचेगा नंबर ऑफ टर्म गिनने हैं नंबर ऑफ टर्म तो देखो अगर वैसे अगर आप सीधा ही देख लो कि दो अरे चिल्लाओ मत दो चार छह इस तरह दस आ रहे हैं तो आपने गिन लिए मान लो ये बहुत बड़ा नंबर होता तो ऐसे उंगलियों पे थोड़ी गिनते रहते तो अपन क्या करेंगे अपन ऐसा कर सकते ना एपी हाँ एपी का फॉर्मूला लगा लेते कि लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहाँ पे आ गया 20π/11
यहां आ गया 2 पाई बाय 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय 11, तो 2 पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11 से कट गया 10, तो एन कितना आ गया भैया? सर 10। यार ये गलत क्यों आ रहे थे? सर वो सर काटा क्यों हुआ है सर 2 पाई बाय 11, वो सर प्लस में है सर, वो माइनस हो जाएगा अब जाकर। आपको ये चीजें आपको चाहिए। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है कि साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितने, 10 इंटू ये बीटा है, बीटा बाय 2 आएगा तो पाई बाय 11, फिर नीचे साइन ऑफ पाई बाय 11 इंटू कॉस पहला और लास्ट का सम 22 पाई बाय 11, ऐसे लिख लो शुरू शुरू में, चाहे 2 पाई बाय 11 प्लस 20 पाई बाय 11 बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2। हाँ भाई तुम्हें ये दिख रहा है, ये बन गया बेटा आपका साइन 10 पाई बाय 11 को, ये बन गया नीचे साइन पाई बाय 11 और ये बन गया साइन 11 पाई बाय 11 कॉस के अंदर। बोलो सही है, कोई दिक्कत? अभी 22 बटा 2 11 पाई बाय 11 आ गया। बोलो भाई। यस हाँ यस सर। तो ये इससे कट गया, दिख रहा है आपको 10 पाई बाय 11 को क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाय 11, इन दोनों का सम पाई है और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये कट गया और ये बच गया कोस पाई। कोस पाई कितना होता है, माइनस वन, माइनस वन, बस आंसर आ गया। सही है। तो देखो इस तरह की चीजें हैं, तो एंगल एपी में हो तो ये सीरीज ध्यान रखनी है ना, बिल्कुल नहीं भूलना इनको, हमेशा बहुत काम आएंगे आगे भी। और अगला आप खुद कर लो, बहुत छोटा सा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आई होप अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे दर्द नहीं होगा किसी के, शिकारी बच्चा तो सीधा ही पहचान लेगा, 2 4 6 कितने टर्म है, 12, तो साइन के अंदर 12 अंदर बीटा, बीटा कितना है 2 पाई बाय 13 और उसका आधा करेंगे तो पाई बाय 13, नीचे साइन पाई बाय 13 इंटू साइन पहला प्लस लास्ट कितना हो गया भैया, 26 पाई बाय 13 मतलब 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई कितना 0, आंसर इज 0। बोलो किसी को कोई परेशानी, किसी के गुर्दे तो नहीं छिल गए ये सब सर? हाँ आ जाओ आ जाओ। सर कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाय 13 नहीं आएगा, 2 पाई बाय 13 आएगा, उसका आधा आता है ना यहाँ पे बीटा बाय 2। हाँ ओके सर। हाँ अब देखा अभी अभी मैसेज आया है अपन को कि अपनी मीटिंग शायद खत्म होने वाली है ना, हेलो मेरे को आ चुका है, अरे सुन लो मैं कह रहा हूं मेरे को आ चुका है, अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो मैं तुरंत लिंक भेज दूंगा, दूसरा ज्वाइन कर लेना ठीक है ना? ओके सर। हाँ चलो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। यस सर।
हाँ जी इधर देखिए, अगर आप इसमें सिग्मा को खोलेंगे तो पहली आर की जगह वन रखेंगे तो क्या बनेगा, कॉस पाई बाय 11, फिर दो रखेंगे कॉस 3 पाई बाय 11, फिर कॉस 5 पाई बाय 11, कॉस 7 पाई बाय 11 और कॉस 9 पाई बाय 11, यही बनेगा ये खोल के। बोलो। Yes, sir. बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, एंगल एपी में है तो साइन ऑफ 5 टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 2 पाई बाय 11, लेकिन फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस बटा 2 आधा आता है तो पाई बाय 11, फिर नीचे साइन पाई बाय 11 इंटू कॉस पहला प्लस लास्ट 10 पाई बाय 11 बटा 2, ये नहीं भूलना। तो यहां से क्या आ गया, साइन 5 पाई बाय 11 इंटू कॉस 5 पाई बाय 11 बटा साइन पाई बाय 11। हाँ भाई, इसको देखते ही आंखों में चमक आती है तुम्हारे। बोलो बोलो जल्दी। टू की जरूरत है बेचारे को, गरीब आदमी को दो की जरूरत है, अपन दलेर आदमी है, जेब से निकाल के चिल्लर की तरह दे देंगे, ले बेटा ले खुश हो जा, जी ले जिंदगी। ये बन जाएगा अपना साइन 10 पाई बाय 11 और नीचे बन जाएगा 2 साइन पाई बाय 11, ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, उड़ता हुआ हवा में 1/2 आ गया, आंसर इज 1/2। ठीक है, बहुत अच्छे, अगर आपको समझ में आ गया अगला ट्राई करें। देखो एंगल एपी में दिख रहे हैं आपको, एन टर्म्स की सीरीज का सम करना है और वो 2+√3 दे रखा है तो एन पूछ लिया, ठीक है ना, उल्टा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ। साइन के अंदर क्या लगाओगे, सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, पाई बाय एन। भैया बीटा कितना है, बीटा 2 पाई बाय एन माइनस पाई बाय एन तो इक्वल टू कितना, पाई बाय एन आ गया, तो बीटा बटा 2 कितना होगा, पाई बाय 2n, ये वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो पाई बाय 2n ये आएगा, नीचे भी आएगा साइन के अंदर पाई बाय 2n इंटू साइन के अंदर पहला एंगल पाई बाय एन प्लस लास्ट एंगल बाय 2। अभी लास्ट एंगल अब क्या होगा, एनएथ टर्म निकालनी आती है आपको एपी की, ए प्लस एन माइनस वन डी। यस सर। तो बस आप डायरेक्ट ही बता दो, तो देखो पहला एंगल पाई बाय एन है, फिर एन माइनस वन इंटू डी क्या पाई बाय एन है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई आ जाएगा, दिख रहा है आपको एनएथ टर्म वैसे ही दिख रहा है, पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, थ्री पाई बाय एन, तो एनएथ टर्म क्या होगा, एन पाई बाय एन। बोलो। यस सर। बस तो nth टर्म बेटा क्या हो गया, n पाई बाय n, n पाई बाय n, n से n कट गया। अब देखो क्या बचा आपका, ये है ऊपर साइन के अंदर n, ये 2 से 2 n से n कट गया तो साइन पाई बाय 2 तो 1 हो गया, नीचे है साइन पाई बाय 2n और ऊपर क्या है, ऊपर बचा साइन के अंदर ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2n, ये बन गया बराबर में क्या, 2+√3, सही है। तो देखो ये तो 1 बन गया, ये साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यस सर। तो बेटा कॉस वहां पे साइन पाई बाय 2 कैसे आया, बेटा देख लो मतलब साइन पाई बाय 2+2, ये देख लो ना, इसको सॉल्व कर लो, अलग अलग कर दिया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2n, ये बन गया कॉस पाई बाय 2n, नीचे बन गया साइन पाई बाय 2n, हाँ तो ये क्या बन गया, कॉट पाई बाय 2n, 2+√3,
हाँ भाई, अब आएगा जादूगर वाला स्टेप जो गरीब आदमी भूल जाता है, लेकिन हमने कॉपी में स्टार बना के चिल्ला चिल्ला के कहा था याद रखना है। 2+√3 क्या होता है? अरे याद नहीं आ रहा, दिमाग की तारे चलने। 10 75 कितना होता है बोलो बोलो? सर, 10 75 टेन सेवेंटी टेन फाइव सेवेंटी मतलब फाइव कोट 15। यस बस सर तो ये है कोट 15 डिग्री। 15 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो कोट 15 कितना होता है? पाई बाय 12। बोलो सही है। यस सर तो बेटा गेम हो गया। पाई बाय 2n किसके बराबर है? पाई बाय 2n किसके बराबर है? पाई बाय 12। तो n कितना हो गया? 6। क्योंकि क्वेश्चन में n नेचुरल नंबर था ये मान लो, ठीक है ना। अदरवाइज तो आप इसको पाई प्लस थीटा भी लिखते तो भी इसके बराबर आ सकता था, लेकिन वहां से फिर n वो नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर कर दिया, n बराबर 6 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो मैंने कहा था ना ये जो वैल्यूज बहुत काम आती हैं, 2 -√3 10 15, 2+√3 10 75। उसके बाद हमने बोला था उस दिन याद करी थी हमने क्या, रूट टू कौन सी याद करी थी भैया? याद है 22.5 डिग्री वाली, 10π/8। -1 हाँ, और एक था √2 + 1। ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब अपन इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब एक दो एग्जांपल और करते हैं इसी पे बेस्ड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अब थोड़ा सा घुमा के दे देंगे बस। करो अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है ना कि यार हमने पढ़ा तो सर जो है वो साइन कॉस की पावर 1 होती है, लेकिन यहां पावर 2 या 3 आ गई, तो आप फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हो। बोलो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस हाँ टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा? हाँ तो बस मैं वही कह रहा हूं, कॉस अपन क्या सोचेंगे बेसिकली पर्पस सुनो, मतलब मेरा मेरे दिमाग में जब ये सामने क्वेश्चन आएगा मैं क्या सोचूंगा कि यार अगर पावर 2 ना होती ना फिर मैं क्वेश्चन कर देता। तो पावर कम करने का नोट लिखाया था आपको डबल एंगल में कि 2 2 sin² थीटा आपका क्या होता है? 1 - cos 2 थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - cos 2 थीटा/2 लिख सकते हो, बस उसी से इसको तुमने लिख दिया 1 - cos 2 थीटा/2। इसको आप लिख दोगे 1 - इसका डबल cos 4 थीटा/2। इसी तरह इस लास्ट वाले को तुम लिख दोगे 1 - cos 2n थीटा/2। तो ये हाफ 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 कितनी बार आएगा? n बार आएगा, तो इसको अलग कर लोगे तो n/2 बन जाएगा। माइनस हाफ पूरी सीरीज में से कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा? cos 2 थीटा cos 4 थीटा
से लेकर कॉस टू एन थीटा, क्या अब एपी में बन गई है सीरीज? बोलो, स्टैंडर्ड वाली आ गई? यस सर। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, ये एन बाई टू अलग से पड़ा है, ये माइनस हाफ, इसका रिजल्ट क्या आएगा? साइन नंबर ऑफ टर्म एन ही है, एन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है टू थीटा, उसका आधा थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस पहला एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू करोगे तो देख लेना तुम एन प्लस वन थीटा आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कोई परेशानी है इसमें? सर एंड से रिपीट कर दो एक बार, क्या कह रहे हो? एन बाय टू कॉमन ये सर, एन बाय टू माइनस हाफ वगैरह वो कैसे है वो बता दो एक बार। अरे तो ये फॉर्मूले लगाए ना, यही तो बताया भाई मेरे, इसको इसमें कन्वर्ट करा ना, तो ये हाफ 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 कितनी बार आया? एन बार नहीं आएगा? यस सर। तो वो एन बाई टू अलग कर दिया और कोस टू थीटा बाई कोस फोर थीटा बाई टू कोस सिक्स थीटा बाई टू में माइनस हाफ कॉमन लेके ये सीरीज बन गई। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सही है। यस सर। चलो बहुत अच्छे। अब बताओ यहां पर भी तो लफड़ा डिग्री का है, और क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा या ऐसा कोई नोट मैंने लिखाया था कि सर जब कभी भी क्यूब को कन्वर्ट करना हो सिंगल में तो क्या यूज करेंगे? कोस थ्री थीटा, थर्ड एंगल। हाँ थर्ड एंगल, कोस थ्री थीटा था आपका, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो आप कॉस क्यूब थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थ्री थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा बाय फोर। तो भैया ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस थ्री थीटा प्लस थ्री टाइम इसी का एंगल कॉस थीटा बाय फोर। अगला क्या आ जाएगा? इसका तीन गुना, तो कॉस सिक्स थीटा प्लस इसी का थ्री टाइम, थ्री टाइम ऑफ कॉस टू थीटा अपॉन फोर। इस तरह चलते 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 जो लास्ट एंगल होगा उसका क्या आएगा? कॉस थ्री एन थीटा प्लस थ्री टाइम कॉस एन थीटा बाय फोर। बोलो यहां तक की बात सही है? कोई दिक्कत इसी को? हाँ सर। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये दो अलग अलग सीरीज बन रही हैं। अगर मैं ये थ्री थीटा सिक्स थीटा ये वाले टर्म्स को अलग कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस नाइन थीटा प्लस चलते चलते कॉस थ्री एन थीटा डिवाइड बाय फोर। एक अलग बन गया प्लस ये दूसरे वाले टर्म अलग कर लिए तो इनमें थ्री बाय फोर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा प्लस से लेकर कॉस एन थीटा। बोलो सही है? हाँ जी क्लियर है ये? Yes, sir, clear, clear. अब ये बताओ ये कितने टर्म है एन के? एन बाय टू एन एन है यहाँ, गलती नहीं करनी। कुछ लोग जल्दबाजी में बोलते हैं आधे उधर आधे उधर, अरे एक टर्म से दो टर्म आई है, हर टर्म से एक एक टर्म निकला है, मतलब ये भी एन है ये भी एन है, ठीक है ना? दिस इज द सीरीज ऑफ एन टर्म्स एंड दिस इज ऑल्सो सीरीज ऑफ एन टर्म, दिख भी रहा है एंगल में, थ्री थीटा सिक्स थीटा नाइन थीटा थ्री एन थीटा। बस इस पे फॉर्मूला लगा दो, वन बाय फोर बाहर साइन के अंदर नंबर ऑफ टर्म एन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है थ्री थीटा, उसका आधा थ्री थीटा बाय टू, नीचे साइन थ्री थीटा बाय टू, कोस के अंदर पहला प्लस लास्ट एंगल थ्री थीटा प्लस, अरे यार ये म्यूट कर लो ना यार, बेवकूफ हो गया एक नंबर के। सर किसी का माइक ऑन है सर, क्या तो ऑफ कर ले? तो यार कौन है उन्हें पता नहीं चलता क्लास के अंदर। थ्री थीटा प्लस थ्री एन थीटा बाय टू सही है, ये आ गया आपका इस सीरीज का आंसर प्लस तीन बटा चार। हाँ भाई देखो ये भी कॉस में सीरीज, नंबर ऑफ टर्म कितने एन, तो पहला फॉर्मूले में क्या आएगा? साइन के अंदर नंबर ऑफ टर्म एन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना थीटा, उसका आधा, नीचे कॉमन डिफरेंस
का आधा इंटू साइन क्या कोस की सीरीज है तो कोस आएगा, फिर पहला एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल एन थीटा बाय टू, ये आपका पूरा आंसर है। कोई परेशानी किसी को? बोलो बड़ा, क्लियर है ये सबको? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ या ना तो बोलो इस पे। आ गया ना? हाँ ठीक है। अभी यार क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो यार किसी को भी गुस्सा आएगा। अभी एक तरफ पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ पीछे से आवाजें आ रही है, किसी के फादर साहब बोल रहे हैं, किसी की मम्मी साहब बोल रही है ना, तो आप अपना म्यूट करो ना। अभी कोई बात करनी पड़ भी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम नहीं होते हैं, आप अपना म्यूट करके करो बात। सर वो क्या कहते हैं ऊपर टेम्परेली ना वो अनम्यूट हो जाता है, पता नहीं लैपटॉप में ये है पता नहीं। अच्छा ये तो हाथों हाथ कर लिया करो यार, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो बहुत अच्छे, ये छाप लो जल्दी से। ठीक है फिर इसको मुझे मिटाना भी है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। हाँ जी ये आ गया सर क्वेश्चन सीरीज में, अब क्या करें? सर इसमें भी दो अलग अलग सीरीज बन जाएंगी सर, इवन ओड वाली अलग है सर, माइनस कॉमन करके इवन वाली का। चलो चलो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे पता था यही बोलेंगे, तो अपन करते हैं। फिर एक रास्ते में डाउट आएगा वो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? बच्चों ने कहा सर ये प्लस प्लस वाले एक साथ कर लो और ये माइनस माइनस वाले एक साथ कर लो, तो चलो कर लिए। साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस इस तरह से एक सीरीज बना दी, फिर माइनस कॉमन लेके साइन टू थीटा साइन फोर थीटा इस तरह से एक सीरीज बना दी। नाउ ये कितने टर्म्स की सीरीज है और ये कितने टर्म्स की सीरीज है? एन बाई टू सर, दो बाई टू। नो 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 नो, यही तो लफड़ा है। अब सोचो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सर वो तो डिपेंड करता है, सर वो तो डिपेंड करता है कि वो ओड है इवन है। ये कौन बोला? सर बाक्षी। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? देखो जो बच्चा एन बाई टू सोचेगा ना, अपन गलत नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा अच्छे से सोचे। आप सोचो एन की जगह अगर पांच होगा तो ये क्या ढाई ढाई टर्म थोड़ी हो जाएंगे, 2.5 इधर और 2.5 इधर है, बताओ? तो डिपेंड करता है, अगर एन इवन है 6 तो एन बाई टू हो जाएंगे, लेकिन अगर एन पांच है तो 3 इधर आएंगे 2 इधर आएंगे, तो एन माइनस मतलब अगर देखो आपको मैं समझा रहा हूं, अगर एन इवन है तब तो ये एन बाई टू टर्म्स होंगे और ये भी एन बाई टू टर्म्स होंगे, बट अगर n ओड है तो ये n प्लस 1/2 टर्म्स होंगे और ये n माइनस 1/2 टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल से समझ लो, मान लो n की जगह 5 है तो 5 + 1 = 6/2, 3 इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे, तो 5 - 4/2, और अगर 6 है तो 3 आएंगे। क्या ये बात खोपड़ी में उतर रही है? Yes, sir. तो अगर ऑप्शन में ऐसे केसेस, अगर ऐसे अलग अलग आंसर होते हैं फिर तो आप ऐसे दो केस लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको चाहता हूं, मतलब इस क्वेश्चन में मान लो नीड ही नहीं है इस चीज की, बिना ये दो लफड़े बना के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब बताओ कोई स्मार्टनेस से कि सर ऐसा मैं क्या बदलाव करूं इसके अंदर, ये सीरीज एक ही सीरीज बन जाए और वैसे ही प्लस में एंगल आ रहे हैं, मजा आ जाएगा, मतलब मुझे ये दो केस बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज करेक्ट मेथड, आप कर सकते हो, नो डाउट। तो एक बार ये ऊपर का मिटा रहा हूं ऊपर का, तो मुझे कोई एक बच्चा बताए कि सर मैं क्या जादू करूं, है ना? यही तो शिकार करने हैं। शिकारी क्या होता है, असली शिकारी यही होता है कि हाँ नई सिचुएशन को मोल्ड कर दे। हाँ बोलो बोलो। सर साइन सी माइनस साइन डी लगा के देखो सर। अरे रे रे रे, ये तो तुमने बच्चों वाली बात कर दी। सर मैं बताऊं, अरे सीरीज है, सीरीज एन टर्म्स की। हाँ बोलो। सर
अरे डिफरेंस तो थीटा है ही, तभी तो मेरे दिमाग में सीरीज वाला कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उसमें सब में प्लस होता है या माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, इसलिए आपने अलग अलग कर ली। अलग अलग करने के बाद लफड़ा आया नंबर ऑफ टर्म का, तो दो केस बनाने पड़ेंगे, और मैं कह रहा हूं बिना इसके भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बताओ देखो शिकारी स्टेप यही तो भैया खेल ना, आईटी बनना है नहीं बनना तो शिकारी बनना पड़ेगा। इसको लिखा साइन थीटा, इसको लिखा साइन पाई प्लस टू थीटा, बोलो कोई दिक्कत? ये है साइन थ्री थीटा, इसको लिखा टू पाई प्लस थ्री थीटा, इसको लिखा साइन थ्री पाई प्लस फोर थीटा। बोलो क्या साइन थ्री पाई प्लस माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, सही चल रही है कहानी या नहीं चल रही? Yes, sir. तो बेटा अगर पहला एंगल थीटा था तो दूसरे एंगल में हमने क्या जोड़ दिया, पाई प्लस थीटा, तो ये आ गया। फिर हमने तीसरे एंगल में थीटा के में क्या जोड़ दिया, इसका डबल 2d, तो 2 पाई प्लस 2 थीटा। तो आपकी खोपड़ी में बात उतर गई, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई प्लस थीटा, बोलो सही है? अजी yes, बस गेम बन गया, सीधा n टर्म्स में आंसर लिख दो, क्या साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म n इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू, तो पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू, नीचे साइन के अंदर कॉमन डिफरेंस बाय टू। फिर सर इसमें जो सेकंड टर्म है सर वो पॉजिटिव नहीं आ रही सर, क्वेश्चन में तो नेगेटिव थी, तो साइन पाई प्लस नेगेटिव ही तो था यार, माइनस साइन थ्री थीटा ही तो आना चाहिए था, सॉरी माइनस साइन टू थीटा ही तो आना चाहिए ना, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ही तो होगा, सही है? बोलो अभी क्लियर है ना? यस सर। हाँ यस सर। अब यहां पे देखो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल निकाल लेना और बाय टू करके आंसर चिपका देना, सही है भाई? कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं ना? चलो बहुत अच्छे है ना। अब एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम और करवाने वाला हूं मैं, ये तो हो गया साइन और कोस में सीरीज पे जो एंगल बनते हैं एपी वाले, एपी में डायरेक्ट नहीं है, क्यूब है, स्क्वायर है, इस तरह घुमा घुमा के दिया है, तो अपन इन चीजों में तो देख लिया। अब एक कैटेगरी और है, मतलब वन टाइप ऑफ सीरीज और है, टेन वैन की चलती है जो टेन कोसेक वगैरह में चलती है, तो उसमें भी मैं कुछ आपको पहले थ्योरी बता दूं थोड़ी सी, पॉइंट मतलब फॉर्मूला हमने कौन सा याद रखना है, कैसे करना है, और फिर उसको लगाना कैसे है, फिर उस पे एप्लीकेशन पे हम एग्जांपल लिखेंगे। तो आप इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं फिर इसको। अभी मिटा दूं क्या? हाँ जी यस सर। चल यस सर। देखो अगर सीरीज वाली कैटेगरी याद कराऊं मैं आपको, मैंने आपको अब तक तीन चार तरह के प्रॉब्लम बता दिए। एक हमने शुरू में साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले में देखे थे, जब डिनोमिनेटर में आईटी वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, कि मैंने कहा देखो नीचे दो टर्म है उनके एंगल को ऊपर मल्टीप्लाई करके उसको स्प्लिट करके कोट की सीरीज बना के कटपिट करके एक क्वेश्चन करे थे, एक वो टाइप का क्वेश्चन था सीरीज में। दूसरा था हमारा जब कोस में एंगल प्रोडक्ट में डबल हो रहे हैं वो वाले क्वेश्चन थे, उसमें साइन में प्रोडक्ट में वाले भी क्वेश्चन थे जिनको कोस में कन्वर्ट करके कर रहे थे। तीसरा अभी हमने देखे ये अल्फा एंगल एपी वगैरह वाला सिस्टम है ना। अब एक और सीरीज की टाइप ऑफ प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं आपको, तो टाइप टू डाल दे यहाँ पे चाहे जो भी डाल दे, उसके लिए पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ले है ना। तो देखो ध्यान दो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? टेन को लिखोगे साइन बटा कॉस,
प्लस कॉस बटा साइन, एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन, ये वन बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अब दो से गुणा करोगे दो से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा टू अपॉन साइन टू थीटा, ये बन जाएगा टू कॉसेक टू थीटा, सही है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टू कॉसेक टू थीटा होता है, इसमें कोई दो राय है क्या किसी को? हाँ जी सही है। चलो ऐसे ही अगर मैं बोलूं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे साइन बटा कॉस माइनस कॉस बटा साइन, फिर आप इसमें एलसीएम लोगे तो आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, फिर आप इसको बोलोगे ये तो लिखा है माइनस का कॉस टू थीटा, और इसमें दो से गुना भाग करके आप बोल दोगे नीचे लिखा है टू, सॉरी ऊपर तो लिखा है माइनस का टू कॉस टू थीटा और नीचे साइन टू थीटा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का टू कॉट टू थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टू कॉट टू थीटा, सही है? यस सर। देखो सीरीज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हमेशा बीच में माइनस वाला टर्म काम का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीरीज में ऐसे स्टेप्स आए, मेथड ऑफ डिफरेंस जिसको मैं बोल रहा था कि टर्म्स कटना शुरू हो, तो ये प्लस वाला कोई काम का नहीं था अपने, तो इसलिए ये ज्यादा काम का है, ठीक है ना, ये ज्यादा काम का है कि कॉट माइनस टेन और कॉट ऑफ टू थीटा, तो कभी भी है ना कभी भी अब ये मान लो टेन में सीरीज हो, टेन या कॉट में सीरीज दिखे आपको, सीरीज दिखे एंगल डबल हो रहे हो एंड एंगल डबल हो रहे हो, डबल का लफड़ा हो है ना, डबल का लफड़ा हो तो इसको यूज करो, सही है। ये ऐसे एक की पॉइंट बना के बता दिया आपको जिसको अपन ध्यान रखें कि कभी भी 10 की सीरीज हो और एंगल एंगल डबल शबल दिख रहे हो आपको, तो आप इसके बारे में जरूर सोचें, ये ही आपका कांटा निकालेगी, इसके बिना आप जितने जोर लगा लोगे ना क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे। कॉट माइनस टेन थीटा बराबर टू कॉट टू थीटा होता है, ठीक है। अब मान लो इसको और इसको मैं ऐड करता हूं, मान लो मैंने ऐड कर दिया वन प्लस टू, सही है, तो एक दोनों जब कट जाएंगे भैया तो यहां पे आएगा टू कॉट थीटा इज इक्वल टू टू कॉसेक टू थीटा प्लस टू कॉट टू थीटा, तो देखो टू 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 उड़ा दोगे तो बेटा बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉट टू थीटा इज इक्वल टू कॉसेक टू थीटा। ये अगेन बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला आ गया आपके सामने, क्योंकि आप ये मान लो कि कॉसेक में सीरीज है, कॉट एंगल डबल हो रहे हैं या कॉसेक वगैरह में कुछ लफड़ा दिख रहा है, आप उसको दो टर्म में तोड़ के मेथड ऑफ डिफरेंस लगा सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही मतलब जानदार और धुआंदार और शानदार फॉर्मूले है ये, कुछ मर्जी कह लो इनको, ठीक है ना, ध्यान रखना इन दोनों को, ये दोनों कॉट थीटा मतलब हिंट क्या है, आप अगर भूल भी जाओ तो देखो डिराइव करने में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, मैं भी कभी कभी जैसे दिमाग में नहीं रहती चीज, अपन इसको एक मतलब विद इन सेकंड्स अपन ये फटाफट दिमाग में थोड़ा सा करके ये बता सकते हैं हाँ भी टू इधर था या इधर था, डबल इधर था या इधर था, ठीक है। और बाकी ब्लाइंडली रट रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन इतना जरूर याद रखें, मान लो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं भी याद रखता, इतना जरूर याद रखें टेन कॉट में डबल एंगल में और टेन कॉट और कोसेक में डबल एंगल में कुछ लफड़ा होता है, ऐसी सीरीज सर ने कुछ बताई थी, तो आप उसको निकाल सकते हो, निकालने के लिए 10 प्लस कॉट 10 माइनस कॉट करके दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज दोनों को डायरेक्ट याद रखो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ट्वाइस ऑफ कॉट टू थीटा होता है, कॉट थीटा माइनस कॉट टू थीटा बराबर कोसेक ऑफ टू थीटा होता है, दोनों को याद रखना है माइनस वाले फॉर्मूले को, सही है, कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं आपको इसके नजारे दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। फिजिक्स का लिंक आ गया, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, हाँ हाँ कोई नहीं, अभी टाइम हुआ नहीं है, क्या 5 मिनट्स हो गए, क्या कह रहे हो, 12 बज चुके सर। अच्छा चलो ठीक है, बंद कर देते हैं अपन, कल करते हैं, ठीक है, जाओ, थैंक यू सर, जाओ, बाय बाय बाय, थैंक यू सर।